से इस बयान को नहीं लिया होगा, क्योंकि हर कोई जानता है कॉमन सिविल कोड का मामला जो है तो केंद्र सरकार का विषय, केंद्र सरकार करेगी उसमें जो कुछ निर्णय का। यूपी में दूसरे फेज की वोटिंग के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर होगी वोटिंग। शनिवार शाम 6 बजे से थम चुका है प्रचार का शोर। तीसरे चरण के प्रत्याशियों को प्रचार के लिए मिलेगा ज्यादा वक्त। चुनाव आयोग ने सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक किया प्रचार का समय। कोरोना केस में कमी के बाद नई गाइडलाइन जारी। तीसरे फेज के लिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज एटा, फरुखाबाद, औरैया में जनसभाएं कर प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। सीएम योगी ने बच्चों के साथ ट्विटर पर तस्वीर शेयर की और लिखा, प्यारे बच्चों खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, आप ही हैं नए भारत का भविष्य, आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। यूपी में तीसरे फेज के रण में पीएम मोदी ने भी झोंकी पूरी ताकत। कल कानपुर देहात के अकबरपुर में करेंगे चुनावी प्रचार। 12 बजे होगी पीएम मोदी की रैली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पांचवें चरण की सीटों के लिए बाराबंकी में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। रामनगर विधानसभा और हैदरगढ़ विधानसभा में करेंगे जनसभा। बाराबंकी में 27 फरवरी को है मतदान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तीसरे फेज के लिए अपना विजय रथ लेकर आज हाथरस, कासगंज और एटा के लिए होंगे रवाना। कासगंज, एटा और फिरोजाबाद में भी चुनावी जनसंपर्क अखिलेश करेंगे। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा की आज फिरोजाबाद में संयुक्त जनसभा। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी बबलू सिंह के लिए करेंगे वोट की अपील। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर कल होगी वोटिंग। मतदान कराने के लिए सभी बूथों पर रवाना हो रही है पोलिंग पार्टियां। रुद्रप्रयाग से यूकेडी प्रत्याशी मोहित डिमरी पर जानलेवा हमला हुआ। अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रचार से लौटते वक्त बाइक सवारों ने बोला हमला। हमलावरों की हो रही है तलाश। अमरोहा में बसपा प्रत्याशी नावेद अयाज पर जानलेवा हमला। कार पर फायरिंग कर मौके से फरार हुए अज्ञात बदमाश। प्रचार से लौटते वक्त किया गया हमला। गोंडा में मोबाइल की दुकान में घुसकर दबंगों की गुंडई और बेल्ट और लात घूसों से की दुकानदार की पिटाई। सीसीटीवी में कैद दबंगों की करतूत। पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार।